नमस्कार। आपने हमेशा देखा होगा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के हाथ में हमेशा हैंडबैग रहता है। अब उनके एज 95 हो चुकी है और आपने अधिकतर लोगों जो 95 के एज के लोग हैं ना उनके देखा होगा वो कोई साजो सामान या यहां तक कि मोबाइल भी हाथ में रखना पसंद नहीं करते। लेकिन ब्रिटेन की महारानी के हाथ में हमेशा हैंडबैग क्यों रहता है? क्या वो कोई शौक के लिए हैंडबैग रखती है या कोई और कारण है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस हैंडबैग से महारानी एलिजाबेथ अपने स्टाफ को विभिन्न तरह से निर्देश देती है। अब आप कहोगे सर एक हैंडबैग से निर्देश देना? बिल्कुल, वो ऐसे संकेत देती है अपने स्टाफ को कि अपने वो जो उनका एलिजाबेथ का स्टाफ है वो समझ जाता है कि उन्हें क्या क्या करना है। अब देखिए वो क्या दिशा निर्देश देती है इस हैंडबैग से। देखिए इस हैंडबैग के माध्यम से वह अपने स्टाफ को संकेत देती है। अब कौन से संकेत देती है ये देखिए आप। हैंडबैग हमेशा बाएं हाथ में रहता है। ये देखिए आप फोटो भी देख सकते हैं, महारानी का हैंडबैग है ना हमेशा बाएं हाथ में रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि किसी मुलाकात अगर किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रही है महारानी एलिजाबेथ किसी व्यक्ति से और अगर उस समय लेफ्ट से राइट हैंड पर शिफ्ट किया हो तो इसका अर्थ अब उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। अगर महारानी ने लेफ्ट से राइट हैंड पर अगर वो बैग रख दिया तो अपने वो महारानी के स्टाफ समझ जाते हैं कि अब महारानी को उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। तो वो उनके स्टाफ क्या करते हैं, उनके स्टाफ ये करते हैं कि उनका स्टाफ विनम्रतापूर्वक उन्हें किसी कार्य के लिए बुलाने आ जाता है। अब एक बात समझो, उनकी एज 95 है, वह किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रही है, अगर उसका मन हुआ कि बस अब इस व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी है तो क्या वो अपने स्टाफ को बुलाएगी ऐसे कि ले आ जाओ यार अब चलते हैं अपन और अब मेरे को मुलाकात नहीं करनी? ऐसे नहीं होता है। इसीलिए तो वो हैंड बैग के माध्यम से संकेत देती हैं, अपने हैंड बैग को लेफ्ट से राइट की तरफ ले आती है और फिर ये संकेत मिलता है कि अब मुझे उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। और संकेत देखिए आप, अगर वह किसी कार्यक्रम में गई हैं और वहाँ पर हैंडबैग को अगर ज़मीन पर रख देती हैं तो इसका मतलब है कार्यक्रम 5 मिनट के अंदर ख़त्म करो। अब आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब जैसे मान लो एलिजाबेथ किसी कार्यक्रम में गई और उसे एज है उसकी और उसे वहाँ ज़्यादा नहीं ठहरना तो यूँ थोड़ी कहेगी यार कार्यक्रम जल्दी ख़त्म करो मुझे जाना है, वो ऐसे नहीं कहेगी। वो अपने हैंडबैग को क्या करेगी, ज़मीन पर रख देगी। तो उनका स्टाफ क्या करेगा, जो कार्यक्रम कराने वाले हैं उनको कहेंगे जल्दी करो भैया 5 मिनट कार्यक्रम खत्म करना है। ये दिशा निर्देश किसका है, महारानी का। तो ऐसे डिफरेंट तरीके के संकेत महारानी अपने स्टाफ को देती है, इसीलिए महारानी अपने हाथ में हमेशा हैंडबैग रखती है। यह कोई शौक की वजह से हैंडबैग नहीं रखती है, इसके पीछे बहुत सारे संकेत वो अपने स्टाफ को देती हैं।